हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है दीपांशु और मैं स्टडी वीज़ास और वर्क वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अभी रिसेंटली ही अपडेट आई की थी कि इटली का जो ट्रैवल बैन है वो एक्सटेंड हो गया है 30th of August तक, और ये बैन काफ़ी टाइम से एक्सटेंड हो रहा है गाइस, मई से जून, जून से जुलाई एंड नाउ जुलाई टू अगस्त। तो क्या अब ये जो बैन है वो फिर से एक्सटेंड होगा सितंबर के लिए, हाँ या ना, तो यही जानने वाले आज हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, रिसेंटली ही जो मेरे एक फ्रेंड हैं उन्होंने कोलकाता कॉन्सुलेट को ईमेल किया था इसी चीज़ के रिगार्डिंग कि क्या ये ट्रैवल बैन और एक्सटेंड होगा या नहीं। तो उनका जो रिस्पॉन्स आया वो काफ़ी पॉजिटिव आया, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने आज शेयर कर रहा हूँ। तो उनका जो रिस्पॉन्स आया वो है कि इवन दो द ट्रैवल बैन हैज़ बिन एक्सटेंडेड अप टू 30th August, वी ऑल होप दैट फ्रॉम द फॉलोइंग डे देर विल बी नो रिस्ट्रिक्शंस टू एंटर इटली। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट। सेकेंड, हाउएवर वी हैव टू वेट फॉर द ऑफिशियल डिसीजन टू बी पब्लिश्ड। वी रीअश्योर यू दैट वाइल देर आर मैनी इन द सिचुएशन लाइक योर सेल्फ। मुझे पता है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, इटली के स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी स्टडीज़ कर रहे हैं वो इंडिया आए और उसके बाद ट्रैवल नहीं कर पा रहे, साथ ही साथ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनके वीज़ा अप्रूवल आ चुके हैं वो भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद भी अगर कहूँ तो यार मैं भी अभी ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ट्रैवल बैन लगा हुआ है। तो कैसे हम लोग ट्रैवल करेंगे? तो द मिनिस्ट्री इज़ इन्वॉल्व आर वर्किंग ऑन दिस इशू, ऑलरेडी वर्क हो रहा है। और आप लोग भी अगर चाहते हैं कि यार हम लोग और प्रेशराइज करें एम्बेसीज को, तो आप ईमेल के थ्रू अपनी जो प्रॉब्लम है वो लिख सकते हैं, प्रेशराइज और कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। इट इज़ नॉट अ डिसीजन दैट वी कैन टेक हियर फ्रॉम कोलकाता एम्बेसी, कोलकाता कॉन्सुलेट अकेली डिसीजन नहीं ले सकती, सारी मिनिस्ट्रीज और इटालियन गवर्नमेंट के अप्रूवल चाहिए तभी जाके ये डिसीजन लिया जाएगा। एज क्लासेस वुड बिगिन सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स यू शुड बी एबल टू फ्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिस्कस करेंगे लेकिन पहले पूरा ई मेल को रीड कर लेते हैं। यू शुड बी ऑल द अपडेट्स ऑन द पॉसिबिलिटी टू ट्रेवल विल बी प्रॉम्प्टली पब्लिश ऑन द वेबसाइट, दैट्स इट। ठीक है, तो वेबसाइट्स पर जो भी है एम्बेसीज की वेबसाइट्स पर तो आ ही जाएगा जैसे ही कोई अपडेट आती है। नाउ द पॉइंट हियर इज कैसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि देखिए जैसा कि मैं हर अपने वीडियो में कहता रहता हूँ कि सेप्टेम्बर इनटेक होता है, तो सेप्टेम्बर ऑनवर्ड से ही आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, और इस साल जो क्लासेस है वो ऑफलाइन होने वाली, फिजिकली आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और जनरली जो क्लासेस स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट ऑल दी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, वो अराउंड 3rd या 4th week में होती है सेप्टेम्बर के। तो जनरल अभी कहते हैं जो मेरे पास जितनी अपडेट्स आई है 23rd September से, 20th September से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। सो अगर आप पूछते कि यार कौन सा आइडियल टाइम होता है वीज़ा अप्लाई करने का, तो अगस्त इज़ अ गुड मंथ टू अप्लाई फॉर योर वीज़ा, क्योंकि इस टाइम पर अप्लाई करते तो सेप्टेम्बर तक आपका वीज़ा आ सकता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेप्टेम्बर में भी अप्लाई कर सकते हो, अगस्त में भी अप्लाई कर सकते हो, इवन तो आपका वीज़ा जो है बाद में भी आएगा अगर क्लासेस स्टार्ट हो गई तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स मैंने देखा है दोस्तों नवंबर दिसंबर में जाते जब तक तो उनका मतलब हाफ ऑफ द कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो उससे कोई इशू नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ आपको माइंड में ये रखना पड़ता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की डेडलाइन है वो कब की, ये पता होना चाहिए आपको, उसके पहले आप इजीली जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो उस केस में इन्हें कहीं ना कहीं प्रेशर बनने वाला है, और एम्बेसी और जो इटालियन गवर्नमेंट है वो अपना जो है ट्रैवल बैन वो हटा सकती है। ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव रिस्पांस जो कि एम्बेसी कॉन्सुलेट की तरफ से भी हमें आया है। तो कहीं ना कहीं ट्रैवल बैन जो है अब जहाँ तक है मुझे एक्सटेंड नहीं लग रहा है, तो मैं भी ट्रैवल कर सकता हूँ और मेरे जैसे जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे भी ट्रैवल कर सकते हैं। और ऐसा एक और वे है दोस्तों, आप किसी कॉरिडोर कंट्रीज़ के थ्रू भी ट्रैवल कर सकते हो, बट उसके लिए उस कंट्री के आपके रूल्स पता होना चाहिए कि वहाँ पर कितने दिन क्वारंटीन होने वाला है। अब अगर हम इंडियन वैक्सीन की बात करें तो दोस्तों अभी तक तो अप्रूवल नहीं आया है, लेकिन लेट्स सी कि तब तक 30th of August तक अप्रूवल आ जाता है या नहीं, और अगर नहीं भी आता है तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि मैंडेटरी क्वारंटीन तो होने वाला है, 10 डेज का होगा या 14 डेज का होगा, लेट्स सी, वो तो हमें अपडेट आने वाली है, लेकिन क्वारंटीन ज़रूर होना पड़ेगा, उसके बाद हमें PCR टेस्ट भी करवाना पड़ेगा। तो ये सारी तो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स जो पूरी करनी होगी ही। सो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स। और ऐसी बहुत सारी शॉर्ट अपडेट्स मेरे पास रहती है दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा क्या ऐसे शॉर्ट वीडियोस, मतलब डेली अपडेट्स के वीडियोस बनाए जाए, दिन में 1 या 2 वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ। ऐसी अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज पे अपलोड करता रहता हूँ, तो अगर मुझे आपने वहाँ पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर डेली अपडेट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू।